हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लाइफ लाइक पैराडाइज, अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ सैलून, एक इवेंट है और वहाँ पे कुछ सेशंस होने वाले हैं हम सारे फीमेल ब्लॉगर्स के लिए। और मेरे भाई ने मुझे उठा दिया है बहुत जल्दी बोल बोल के, मेरी सिम इशू करा दो, उसका फ़ोन चोरी हो गया है, एक बारी नहीं दो बारी, और अपना फ़ोन लुटा के आ गया सराय आ खड़े होकर देख कर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में इडली। सबसे पहले चलो चलते हैं, दिखाती हूँ कि इडली मैंने कैसे आज बना रही हूँ। रवे वाली इडली मैंने उसके लिए रात भर रवा को भिगो के रख दिया था पानी में और दही डाली है। और ये इडली मेकर को मैंने अभी थोड़ा गर्म भी कर लिया है, थोड़ा सा मैं इसको करूंगी ऑयल से ग्रीस पहले ताकि इडली चिपके। गाइस, इडलियां मैंने कुछ बॉईल कर ली है और कुछ अभी भी बॉईल हो रही है, तो अब मैंने सोचा फ्राइड इडली बना लेती हूँ क्योंकि चटनी के लिए प्याज खत्म हो गई और जाकर लाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी राई थोड़े से ऑयल में और ये कड़ी पत्ता, उसके बाद ये सारी वेजी डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने ये सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से भून लिया और अब ये मैं इडली डाल दूंगी इसमें जो मैंने बॉईल करी थी। कितने खुश हो गया देखिए, महाराज जी उठे हैं 12 बजे, अभी ने नाश्ता किया है ना, तुम भी उठते। नाश्ता करने के तुरंत बाद मैं फटाफट रेडी होके पहुंच गई परफेक्शन सैलून जो लोकेटेड है इंदिरापुरम में, और यहाँ पे एक ब्लॉगर्स इवेंट था तो हमें इनवाइट किया गया था। इसका एम्बियंस तो आप देख ही सकते हो और आगे आने वाली सर्विसेज भी देखना, बहुत बढ़िया सर्विसेज थी यार। पहले मैंने करवाई फुट मसाज, यार बहुत ही सूदिंग सा लग रहा था। मैं ले रही हूँ अपनी सेकंड सर्विस एक फेस पैक की, जिससे मेरे को जो टैनिंग हो रही है फेस पे वो हट जाएगी काफ़ी हद तक। अच्छा, अच्छा। सबसे पहले अपना फेस को क्लीन करा था, राइट? ठीक है, लग गया मेरा मास्क और इसको हमने 15 मिनट्स के लिए छोड़ा था। और ये देखो गाइज रिजल्ट्स, भाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। देखो इंस्टेंट ग्लो एकदम फील हो रहा है और ये जो टैनिंग है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो गई है, मतलब इतना फ्रेश फील हो रहा था ना यार, सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था यार। भाई अभी बज रहे हैं रात के 3:30 और मैं और ऋतिक बैठ के सीरीज देख रहे थे, दिल्ली क्राइम सीजन 2। ऋतिक ने तो सीजन 1 भी देखा है, वो निर्भया केस के ऊपर था, मुझे नहीं देखना था तो मैंने बोला नहीं देखना, सीजन 2 देखते हैं। बहुत अच्छी सीरीज थी, काफ़ी बढ़िया, एकदम इंगेजिंग, आपको हर पल ये लगेगा कैसा है कैसा है। तो यार आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच। और आज का इवेंट तो मैंने दिखाई दिया कितना बढ़िया था, तो यार देखो मैं तो ये बोलूँगी सेल्फ पैम्परिंग सेशन भी काफ़ी ज़रूरी है एंड खुद को पैम्पर हमेशा करते रहो, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो दूसरों से भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो, ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग लाइफ लाइक पैराडाइज, एंड हमें इंस्टा पे भी फॉलो करो और ढेर सारा प्यार बरसाओ। ओके, बाय, गुड नाइट।